देखिए भारतीय जनता पार्टी, मुझे हरी बोल रहा हूँ, एक छोटा सा गांव में छोटा सा परिवार का रहने वाला हूँ और मुझे केंद्रीय नेतृत्व ने पहचाना, प्रदेश नेतृत्व ने पहचाना और मुझे सांसद जैसे महत्वपूर्ण दायित्व के लिए, पद के लिए मुझे सांसद का प्रत्याशी चयनित किया है। उसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को और जिले के नेतृत्व धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसलिए पूरे बस्तर के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता गाँव में हम लड़ेंगे। हमको कांग्रेस के लिए कोई चुनौती नहीं है। हाँ, बस्तर में जो मूलभूत समस्याओं को, जो सुविधाओं को से वंचित है, उसको पूरा करने में हमको चुनौती रहेगा, लेकिन कांग्रेस से कोई चुनौती नहीं रहेगा। देखिए बस्तर में बहुत सारे समस्या है, वही बस्तर है जो एक समय काला पानी का सजा मान के कोई अधिकारी आना नहीं चाहता था, लेकिन सरदार अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में छत्तीसगढ़ का निर्माण किया, उसको सींचने का भी काम भारतीय जनता पार्टी ने किया 15 साल, लेकिन दुर्भाग्यवश कांग्रेस पार्टी के 5 साल के शासनकाल में जो छत्तीसगढ़ बर्बाद हुआ है, और फिर से हमको छत्तीसगढ़ में शासन करने का मौका मिला है, हम उसको ठीक करेंगे और उसको पूरा। देखिए धर्मांतरण, हम किसी व्यक्ति धर्म का विरोधी नहीं है, लेकिन हमारी जो संस्कृति परंपरा, रूढ़ी परंपरा, बस्तर का जो संस्कृति विश्वविख्यात रहा है, और उसको कुछ लोग छेड़छाड़ करने का प्रयास करें, और पिछले 30-40 वर्ष से जो मुगलों ने हमारे बस्तर को अपने संस्कृति परंपरा को नहीं छेड़ सका, अंग्रेजों ने नहीं कर सका, लेकिन कुछ राजनीतिक संरक्षण के कारण, जो धर्मांतरण के कारण जो गांव में तनाव की स्थिति बन रहा था, उसको कानूनी तरीके से रोकने का हम प्रयास कर किए हैं और करते रहेंगे, क्योंकि 5वें क्षेत्र पेशा कानून लागू है। हमारे सरकार ने अभी कानून बनाने के लिए ड्राफ्टिंग हो गया और आने वाला समय कानून बनेगा और संवैधानिक रूप से हम रोकने का प्रयास करेंगे। दोबारा टिकट मिलती है तो चुनौती रहेगी? नहीं, ऐसा आपको ना दीपक भाई से तो और कोई चुनौती नहीं है, ना किसी से कोई चुनौती नहीं रहेगा।